जैन तीर्थ श्री सम्मेत शिखर जी को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने को लेकर जैन समाज के लोगों में आक्रोश है। बुधवार को शहर में सकल जैन समाज की ओर से मौन जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर समाज के लोगों ने एसडीएम को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। जैन समाज के विनोद जैन, कांतिलाल साह, ललित जैन आदि ने बताया कि सम्मेत जी जैन धर्म के 20 तीर्थ करो और अनेक मुनियों को मोक्ष प्राप्त हुआ था। वहां का कण कण पवित्र है, इसलिए वह सिद्ध क्षेत्र कहलाता है। शिखर जी जैन समाज के लोगों का आस्था का केंद्र है। हर साल लाखों जैन श्रद्धालु शिखर जी की वंदना करने जाते हैं। तीर्थ शिरोमणि के साथ कोई भी छेड़छाड़ को जैन समाज बर्दाश्त नहीं करेगी। जैन समाज की आस्थाओं को ध्यान में रखते तीर्थ शाश्वत समय शिखर जी जहाँ पर की लोगों ने उसपे सरकार ने उसके ऊपर अभयारण्य और मांस मदिरा सब चीज शुरू कर दी, वो हमारा शाश्वत तीर्थ है। वहाँ पर हमारी भावनाएं जुड़ी हुई है, वहाँ से कई आत्माएं सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हुई है। और हमारे उस पावन तीर्थ को जब ऐसा अपवित्र करेंगे तो हमारी भावनाओं को ठेस पहुँचना स्वाभाविक है। और इसीलिए हमने राष्ट्रपति के नाम, प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है ताकि वो हमारी भावनाओं को समझे और उसे पूरा जैन समाज को सौंप दे ताकि हम हमारे उस पर धर्म आराधनाएं सही रूप से कर सके। यहाँ पर खरगोन, बेड़िया, सनावद और करही, रोडिया, पिपलिया, कसावत, ऊन, लोनारा सभी दोस्त से शावक शाविक आए हुए हैं और सभी ने, यहाँ तक कि स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने छुट्टी करके वो भी इस रैली में शामिल हुए। बच्चे भी इस भावना को समझ रहे हैं कि वो चीज गलत है, जहाँ पे मांस मदिरा का सेवन होना बहुत ही गलत बात है और हमारी भावना को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची है। इसीलिए हमने राष्ट्रपति के नाम और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। हमने यही मांग की है कि उसे पूरा मुक्त किया जाए और पूरा जैन समाज को सौंपा जाए। इंदिरा प्रकाशन संचेति और उसे सिद्ध क्षेत्र घोषित किया जाए। वहाँ पर वो सिद्ध भूमि है, अनानंद आत्मा है, वहाँ पर सिद्ध गई है, सिद्ध हुई है। इसलिए हम भी चाहते हैं कि वहाँ उसे सिद्ध बुद्ध और मुक्त भूमि घोषित की जाए और जैन समाज को पूरी तरह से सौंपी जाए। समस्त जिले के जैन अनुयायियों के द्वारा यहाँ पर माननीय राष्ट्रपति जी के नाम से हमने एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें जैन तीर्थ सम्मेत शिखर जी जो जैनियों का आस्था का केंद्र है और वहाँ की कण कण भूमि पूजनीय और वंदनीय है, उस पावन धारा से 20 तीर्थंकर और कई संतति मोक्ष के द्वार पर पहुंचे हैं। ऐसी पावन धारा पर झारखंड की सरकार और केंद्रीय वन विभाग के द्वारा जो आदेश दिए गए हैं उसे सेंसिटिव जोन बनाया गया है, पर्यटन क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है, उसका समग्र जैन समाज विरोध करता है। इस विरोध प्रदर्शन में बलकवाड़ा, कसरावत, सनावत, बड़वा, करही, रोडिया, बेड़िया, ऊन, चेगावा सहित आसपास के ग्रामीण अंचल के हमारे स्वधर्मी बंधु एकत्रित हुए हैं। हमने मौन जुलूस के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति जी एवं देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी जी से भी निवेदन किया है कि जैन समाज अहिंसा मार्गी समाज है, जिए और जीने दो की भावना पर चलने वाला समाज है। हमें बहुत दुख होता है, हम गिनती में बहुत कम लोग हैं लेकिन देश के विकास में हम 30% से अधिक की भागीदारी करते हैं। हमारी मांग है कि जो तीर्थ है हमारा, उस तीर्थ को तीर्थ क्षेत्र घोषित किया जाए और वहां पर मांस मदिरा इस प्रकार की जो अवैध गतिविधियां हो रही है उसको रोक के पुनः तीर्थ स्थल घोषित किया जाए। ललित जैन, जैन समाज श्री संघ अध्यक्ष, खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।